हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं उसके प्रोसेस और मैं हूं उस फ्रेंड। आज बात कर रहे हैं लेटेस्ट करंट अफेयर के बारे में। तो ये जो करंट अफेयर है ये 7 दिसंबर 2019 के लिए है। तो क्या क्या है लेटेस्ट करंट अफेयर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड, क्योंकि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए सारे करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी का, और अभी रेलवे का भी एग्जाम आने वाला है एनटीपीसी ग्रुप डी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में बिल्कुल भी देर ना करते हुए। तो पहला करंट अफेयर है फ्रेंड यहाँ पे, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के डेनी कायम मानवता पुरस्कार से अभी अवार्ड दिया गया है। तो ये एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर है। तो इसके चार ऑप्शन, अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं फ्रेंड। तो पहला ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, दूसरा आलिया भट्ट, तीसरा दीपिका पादुकोण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड अगर आपको सही आंसर मालूम तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो मैं आपको इसका सही आंसर जो बताने जा रहा हूँ वो है प्रियंका चोपड़ा। तो आप जानते भी यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर है और इन्हें ही डेनी काय मानवता पुरस्कार भी दिया गया है, क्योंकि ये सामाजिक कार्यों से बहुत ही सक्रिय रहती है प्रियंका चोपड़ा। तो इस वजह से इनके सक्रिय को देखते हुए इनके अवार्ड जो है वो देने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड इसी तरह का वीडियो लेटेस्ट करंट अफेयर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कि मैं इसी तरह का लेटेस्ट करंट अफेयर आपके लिए डेली लाया करता हूँ। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड तो आप मुझे टेलीग्राम लिंक पे फॉलो कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ जो इस वीडियो का मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड। तो बढ़ते हैं दूसरे करंट अफेयर की तरफ। तो दूसरा करंट अफेयर है फ्रेंड यहाँ पे, भारत और किस देश के बीच जो है वो इंद्र अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, अभी हाल में ही इंद्र अभ्यास का आयोजन किया जाना है। और भारत और किस देश के बीच है, इसका आंसर है रूस। तो रूस और भारत के बीच जो है फ्रेंड वो इंद्र अभ्यास के नाम से एक जो है वो अभ्यास किया जाएगा, और इसका जो आयोजन है वो 3 शहरों में किया गया है, झांसी में, पुणे में और गोवा में। और ये कब से कब तक रहेगा, 10 से 19 दिसंबर के बीच चलेगा। बढ़ते हैं तीसरे करंट अफेयर की तरफ। तो फ्रेंड तीसरा करंट अफेयर है, भारत सरकार ने तमिलनाडु के शहरों में, यानी कि तमिलनाडु में कुछ चुनिंदा शहरों में पानी की आपूर्ति और सीवरेज की ढांचा को सही करने के लिए, विकास करने के लिए किस संस्था से समझौता किया है। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड वो है ADB बैंक, यानी कि आप जानते होंगे इसका फुल फॉर्म होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, और हिंदी में गए तो एशियाई विकास बैंक। तो यहाँ से जो है वो समझौता किया गया है तमिलनाडु के शहरों में पानी की आपूर्ति को सही करने के लिए, और इसके लिए $500 मिलियन पर समझौता ऋण समझौता पर साइन किया गया है फ्रेंड। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड। तो चौथा यहाँ पे करंट अफेयर है, RBI ने वित्त वर्ष, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे याद कर लेना है। तो RBI ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की आर्थिक विकास दर अनुमान कितने परसेंट कर दिया है, और आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर है 5%, क्योंकि ये RBI के मुताबिक है फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो यहाँ पे पांचवा करंट अफेयर है फ्रेंड, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत और सॉरी फ्रेंड 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है फ्रेंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में जो आता है वो भारत का स्थान 5वां है। जी हाँ फ्रेंड, मौसम परिवर्तन के अनुसार अगर माने तो यह 5वां देश है, क्योंकि काफ़ी प्रभावित है भारत में भी लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो नेक्स्ट करंट अफेयर फ्रेंड यहाँ पे, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन जो किया गया है वो ब्रिटेन में किया गया है, और ब्रिटेन के वाटफोर्ड शहर में ये किया गया है नाटो का आयोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो नेक्स्ट करंट अफेयर फ्रेंड यहाँ पे, स्विट्जरलैंड सरकार ने किस टेनिस खिलाड़ी के सम्मान में 20 फ्रैंक का सिक्का जारी किया। आपको ध्यान रखना है 20 फ्रैंक का सिक्का जारी किया है। तो इसका आंसर है फ्रेंड रोजर फेडरर। तो आप जानते ही होंगे रोजर फेडरर काफ़ी फेमस खिलाड़ी टेनिस के। तो रोजर फेडरर अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम जो है वो जीत चुके हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड इसी तरह चैनल करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं डेली करंट अफेयर आपके लिए लाया करता हूँ।
बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया, यानी कब मनाया जाता है या मनाया गया, तो ये कल ही मनाया गया है 6 दिसंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से जब उनकी मृत्यु हो गई थी 1956 में, तब से ये महापरिनिर्वाण दिवस जो है उनके मृत्यु के अवसर पर मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो नाटो का 30वां सदस्य देश, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड नाटो से जुड़ा हुआ, नाटो का 30वां सदस्य देश इसी साल, जी हाँ फ्रेंड इसी साल 2019 में कौन बना है, तो इसका आंसर है मैसीडोनिया, जो कि 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य देश बन गया है। और बात कर ले कि नाटो का जब शुरुआत हुआ था, तो नाटो का जब शुरुआत हुआ था तो उस समय कुल 12 देश सम्मिलित थे, जो कि अभी संख्या बढ़कर 30 हो गई है। बढ़ते हैं दसवें क्वेश्चन की तरफ। तो दसवां क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, सुंदर पिचाई ने किस कंपनी का मुख्य कार्यकारी का पद ग्रहण करेंगे, तो ये इसका आंसर है कंपनी अल्फाबेट का। जी हाँ फ्रेंड, आप जानते होंगे सुंदर पिचाई जो है गूगल के हेड भी हैं, और अब एक और उन्हें पद भी मिल गई जो कि है कंपनी अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी वो होंगे। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड, तो आप इसका पीडीएफ जो है मुझे टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ जो इसका उपलब्ध करा दूंगा। तो इसी तरह का करंट अफेयर पाने के लिए फ्रेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के ठीक नीचे आपको उसके प्रोसेस लाल कलर में दिख जाएगा, तो वहाँ पे दबा लेना है अगर आप हमारे नए यूजर हैं, और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।